नंबर वन चैनल के नंबर वन शो कच्चा चिट्ठा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। कच्चा चिट्ठा में सबसे पहले बात इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू की। नेतन्याहू इजरायल में ही बुरी तरह घिर चुके हैं। जब इजरायल में करीब 4 लाख के रिजर्व फोर्स को एक्टिव किया जा रहा है, तब प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बेटा अमेरिका के फ्लोरिडा में मौजूद है। लोग पूछ रहे हैं कि नेतन्याहू का बेटा इस वक्त हमास से लड़ने के लिए मौजूद क्यों नहीं है। इजरायल में चल रहे इसी टकराव का फायदा हमास और हिजबुल्ला ने उठाने का फैसला भी किया। लेबनान में एक ऐसी मीटिंग हुई, एक ऐसी बैठक हुई जिसके बाद इजरायल में एक बड़ी मिसाइल तैनात की जा रही है। जब गाजा में ताबड़तोड़ बमबारी जारी है, इमारतें ढाई जा रही हैं, सैकड़ों लोगों की जान रोज जा रही है, जब इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पर एंटी टैंक मिसाइल फायर की जा रही है, इजराइल के खुफिया अड्डे तबाह किए जा रहे हैं, जब अमेरिका से लेकर रूस और ईरान से लेकर तुर्की तक इसराइल पर बहुत बड़े हमले की बात चल रही है, जब पश्चिम एशिया की राजधानियों में इसराइल के खिलाफ हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इसराइल के खिलाफ युद्ध का पूरा माहौल बन चुका है, तब इस मीटिंग ने नेतन्याहू को खौफ से भर दिया है। ये 3 लोग हैं, गाजा की हुकूमत चलाने वाले हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के उप प्रमुख साले अरूरी और साथ में फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के महासचिव जियाद नखाले, और इन दोनों ने लेबनान की राजधानी बेरूत में जाकर हिजबुल्ला के चीफ हसन नसरल्लाह से मुलाकात की है। ये तस्वीर जारी होने के बाद दो लोग बहुत ज्यादा टेंशन में हैं। गाजा और इसराइल के बीच चल रहे युद्ध ने पूरे पश्चिम एशिया को तीसरे विश्व युद्ध के एपिसेंटर में तब्दील कर दिया है, और इसकी वजह से दो ताकत सबसे ज्यादा फिक्र में डूबी हुई हैं। पहले हैं इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और दूसरे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। दोनों की टेंशन का मीटर लगातार रेड लाइन को पार कर रहा है। इस तस्वीर को लेकर खौफ बहुत ज्यादा है। क्योंकि गाजा में हो रही बमबारी के बाद हमास, फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद और हिजबुल्ला ने ऐलान कर दिया है कि जैसे ही इजराइल की फौज गाजा की जमीन पर कदम रखेगी, वो ऐसा हमला करेंगे जिसकी गूंज अमेरिका तक सुनाई देगी। लेकिन क्या ये वाकई इतना बड़ा खतरा है जिसे लेकर नेतन्याहू और बाइडेन को डरना चाहिए? इन तीनों के पीछे कौन है? तो जवाब है कि इन तीनों फोर्स के पीछे ईरान है, जो इनको फंडिंग भी करता है, इनको हथियार भी देता है, इनको ट्रेनिंग भी देता है, और अब इसी ताकत के बल पर वो अमेरिका और इजराइल दोनों को डरा रहे हैं। हमास, फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद और हिजबुल्ला, इन तीनों ने अपने नए वीडियो जारी करने शुरू कर दिए हैं। हमास ने ड्रोन अटैक का वीडियो दिखाया है जिससे तेल अवीव और इजराइल के कई बड़े शहरों पर हमले किए जा सकते हैं, तो हिजबुल्ला ने लेबनान इजराइल बॉर्डर पर कई हमले करके साबित कर दिया है कि इजराइल की उत्तरी सीमा अब सुरक्षित नहीं बची है। अगर गाजा पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के बाद हमास, फिलिस्तीन और हिजबुल्ला ने एक साथ इजराइल पर हमला किया, तो इनको एक साथ रोकना इजराइल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा, और तब अमेरिका की मदद लिए बिना हालात ऐसे बन सकते हैं कि ये तीनों फोर्स इजराइल की सेना को रौंद कर आगे बढ़ जाएं। गाजा में हमास के लड़ाकों की तादाद 40 से 50 हजार के करीब है। उत्तर की तरफ लेबनान में मिलिशिया हिजबुल्ला की तादाद 1 लाख से ज्यादा है।
इनके सामने इसराइल में एक्टिव और रिजर्व फोर्स मिलाकर 6 लाख से ज्यादा सैनिक हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि इसराइल के पास 4 गुना ताकत है। इसराइल ने अपनी सेना का पूरी तरह से मोबिलाइजेशन कर लिया है, लेकिन ये भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि रिजर्व फोर्स की पूरी ट्रेनिंग अभी बाकी है। इसके अलावा इसराइल ये भी चाहता है कि पूरी तरह से हथियारों का स्टॉक तैयार कर लिया जाए ताकि ग्राउंड इन्वेजन के बीच में गोले बारूद की कमी न पड़े। लेकिन हमास और हिजबुल्ला के गुरिल्ला युद्ध में मुकाबला करने में फौज की तादाद से ज्यादा लड़ने का तरीका मायने रखेगा। गाजा के अंदर लड़ाई आसान नहीं होगी, ये हमास का इलाका है। तो हिजबुल्ला को सीरिया में आईएसआईएस के खिलाफ युद्ध लड़ने का अनुभव है। इसराइल के सामने संकट बड़ा है, लेकिन उसे अमेरिका की मदद मिल रही है, जिसके 2 समुद्री बेड़े इस वक्त भूमध्य सागर में तैनात हैं, और वहां से इसराइल को लगातार एयर सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि अमेरिका के टारगेट पर लेबनान बॉर्डर की तरफ हिजबुल्ला के ठिकाने होंगे। इस बीच संयुक्त राष्ट्र में इसराइल को लेकर एक बड़ा मोर्चा खुल गया है, क्योंकि खुद यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ऐसी बात कह दी है कि इसराइल ने उनका इस्तीफा मांग लिया। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि ये जानना जरूरी है कि हमास ने हमला अचानक नहीं किया। फिलिस्तीन के लोग 56 वर्षों से घुटन वाले कब्जे का सामना कर रहे हैं। फिलिस्तीन के लोगों ने अपनी जमीन पर लगातार कब्जा देखा है, हिंसा देखी है, आर्थिक बर्बादी देखी है, अपने घरों को ढहाए जाते देखा है। इस विवाद के राजनीतिक समाधान की उम्मीद खत्म होती जा रही है। फिलिस्तीन के लोगों की शिकायतें हमास के हमलों को सही नहीं ठहरा सकती, लेकिन इसके बदले में फिलिस्तीनी लोगों को सामूहिक सजा देना भी सही नहीं। Think that the Secretary General must resign, because from now on, every day that he is here in this building, unless he apologizes immediately, today we called him to apologize, there is no justification to the existence of this building. This building was established to prevent atrocities. How can the Secretary General, with his words, justify in any way the terrible atrocities that happened to our civilians, innocent civilians? इसराइल और हमास की टक्कर में इस वक्त दोनों तरफ के लोग हिंसा झेल रहे हैं। किसका रॉकेट और किसका बम किसे टारगेट बना रहा है, इसकी फिक्र ना हमास को है और ना ही इसराइल की सेना को। सात अक्टूबर को हमास के हमलों में इसराइल के करीब 1,500 लोगों की मौत के बाद इसराइल की लगातार चल रही बमबारी में 25 अक्टूबर तक 6,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 2,500 से ज्यादा बच्चे हैं, जबकि घायलों की तादाद 18,000 पहुंच चुकी है। इन आंकड़ों में उन लोगों की लाशें शामिल नहीं जो अब भी हजारों इमारतों के मलबे में दबी हुई हैं। यहां इसराइल की बमबारी में गिरी एक इमारत में कई लोग दब गए और इनमें से एक को यहां जिंदा निकालने की कोशिश जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन रात में चल रहा है। यहां बिजली नहीं है, टॉर्च की मदद से लोगों की जान बचाई जा रही है। यहां फंसे एक शख्स को बचाते वक्त उसे बताया जा रहा है कि उसका परिवार निकाल लिया गया है ताकि वो हौसला ना खोए। इस व्यक्ति का पैर किसी कंक्रीट के हिस्से के नीचे दबा है। यहाँ ना कोई खास औजार है, ना कोई बड़ी मशीन, लेकिन एक एक जान को बचाने की कोशिश जारी है। पूरी दुनिया में इसराइल से कहा जा रहा है कि वो बमबारी रोक दे, लेकिन इसराइल ने तय कर लिया है कि जब तक गाजा से हमास का सफाया नहीं हो जाता, उसकी बमबारी जारी रहेगी। लेकिन दक्षिण इसराइल में युद्ध का खौफ देखा जा सकता है। हमास के रॉकेट हमलों के बाद यहाँ की सड़कें खाली हैं, लोग बाहर बहुत कम निकल रहे हैं, पार्क से लेकर समुद्री किनारे सब कुछ वीरान पड़ा है। इसराइल और हमास के बीच चल रही जंग के बाद अब युद्ध का बड़ा खतरा मंडराता नजर आ रहा है।